हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करने वाले हैं। इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स और नॉन आइडियल फ्लूइड। इसमें हम लोग सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पढ़ते हैं। इन जनरल इस पार्ट को हम लोग सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में ही यहीं पर फिनिश करूंगा। तो चलिए हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स से शुरुआत करते हैं, जिसमें ये पूरा आपका आज आने वाला है, फ्लूइड स्टैटिक्स पूरा डिस्कस होगा। तो फ्लूइड स्टैटिक में जो है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लूइड स्टैटिक में जो है, फ्लूइड जो है कंटेनर के रिस्पेक्ट में आपका रेस्ट में होगा, वो मूव नहीं करते रहेगा। फॉर एग्जांपल पाइप से आपका फ्लूइड मूव करते रहता है तो उसको हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और किसी भी कंटेनर में अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके हम लोग प्रॉपर्टी को फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग ये से करते हैं प्रेशर से। सिंपल सी बात है कि प्रेशर, इन जनरल लोग सोचते क्या है कि प्रेशर जो है डायरेक्शन होता है, मतलब आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे जो ग्रह जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं कि एटमॉस्फेरिक नीचे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ये गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। प्रेशर का जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन होता है हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका जो नेक्स्ट फार्मूला है हम लोग पढ़ने वाले, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो भी फ्लूड है उसके कारण प्रेशर आपका कैसे वेरी करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे आप हाइट डेप्थ एज पे जाएंगे किसी भी लिक्विड के इनसाइड, तो आपका प्रेशर जो वेरी करता है पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, आपका रो लिक्विड का डेंसिटी होगा, जी आपका ग्रेविटी और एच आपका डेप्थ है। पी नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि हर जगह आपका होता है, तो इस पॉइंट पे अगर पी नॉट प्रेशर है तो यहाँ पर हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब लिक्विड के कारण जो प्रेशर होगा रो जी एच के बराबर होगा। पी नॉट का वैल्यू आपको याद रखना है, पी नॉट होता है 180 आपका और 1.01 × 10⁵ पास्कल हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू 10⁵ पास्कल डायरेक्ट लेते हैं। याद रखिए कि इस वैल्यू को हम लोग जो एग्जैक्ट प्रेशर आता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, और एक टर्म आपका कहीं कहीं यूज करता है गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या होता है कि आप जो भी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दीजिए तो आपको गॉज प्रेशर देगा। तो यहाँ पर अगर आपको गॉज प्रेशर निकालना है, गॉज प्रेशर का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक के अलावा एक्स्ट्रा कितना प्रेशर आपका लग रहा है, तो जो गॉज प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा पी माइनस पी नॉट को हम लोग गॉज प्रेशर बोलते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि रो जी एच के बराबर होता है। इसको आप ध्यान रखें क्योंकि टर्म्स में आपका यूज आता है। फिर आपका है नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट। आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते हैं आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते जाता है, क्योंकि आप ऊंचे हाइट पर जाएंगे तो वहां पर एयर का जो प्रेशर है आपका कमते जाएगा धीरे धीरे। जो प्रेशर आपका वेरी करता है एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, आपको याद रखना है पी इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस जी एम बाई आर टी। जी आपका ग्रेविटी है, एम आपका एयर का मॉलिकुलर वेट है जो कि ऑन एवरेज 28 होता है, आर आपका रिटबर्ग कांस्टेंट है आपका, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में है, सॉरी आर आपका गैस कांस्टेंट, मैं रिटबर्ग कांस्टेंट बोल रहा हूँ, आर आपका जो है गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर पिनोट का वैल्यू 180 है, एच आपका हाइट है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोनेंशियली आपका डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ डैम। तो इसमें यह है कि अगर आप कोई ही आपका डैम है तो उस पर अगर वाटर इस साइड अगर फिल है तो उस वाटर का इस पर एवरेज प्रेशर कितना होगा। तो एवरेज प्रेशर देखिए इसमें होता क्या है कि अगर डैम का हाइट इतना है तो आपको पता है कि जैसे आप नीचे आएगा प्रेशर आपका बढ़ते जाएगा, तो एवरेज प्रेशर ऐसे केसेस में हम लोग मिड पॉइंट के प्रेशर को लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिया गया है कि एवरेज प्रेशर जो ऑन द डैम है रोजी एच बाई टू, रोजी एच बाई क्या है टू। वही अगर आपको फोर्स निकालना है इस डैम पे पूरे वाटर के कारण कितना फोर्स आएगा, तो आप क्या कीजिए कि एवरेज प्रेशर आपको पता है इसके वॉल के जो डैम का वॉल है उसका एरिया मल्टीप्लाई कर दिए, तो एवरेज प्रेशर इनटू द एरिया आपका हो जाएगा नेट फोर्स ड्यू टू द वाटर। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट का। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है आपको सबको पता है इट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, और ये इसमें ये बोलता है कि यहाँ पर आपका प्रेशर इक्वल होगा, उससे कारण आप बोल सकते हैं कि जो प्रेशर यहाँ पर होगा फोर्स बाई एरिया यहाँ का इस पॉइंट का जो एरिया होगा इसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो F1 by A1 is equal to यहाँ पर अगर फोर्स आपका जो आपका कोई भी हैवी बॉडी रखा हुआ है, इन जनरल हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को कुछ सामान को उठाने में यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा आपका इस हैवी बॉडी का जो फोर्स है डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पर का प्रेशर F1 by A1, यहाँ पर का प्रेशर F2, F2 जो है उस लोड का फोर्स है, तो F2 by A2, तो उसी कारण आप F1 by A1 equal to F2 by A2, मतलब जितना आपका एरिया ज़्यादा होगा इस साइड आपका फोर्स उतना ही ज़्यादा होते जाएगा।
इसी कारण से हम लोग एरिया ज़्यादा रखते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज। तो आपका जो डिवाइसेज है प्रेशर मेजर करने के लिए, हम लोग दो डिवाइसेज इन जनरल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। बैरोमीटर यहाँ पर है आपका, बैरोमीटर का यूज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में करते हैं। उसमें होता क्या है कि एक इन्वर्स ट्यूब रहता है, उस ट्यूब को सिंपली हम लोग वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, मान लीजिए आपका ट्यूब हो गया, इस ट्यूब में मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूंगा, इसके इस मुंह को बंद कर दूंगा और सिंपली आपको एचजी में इसको डाल देना है। डालेगा तो होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इसमें जो है लिक्विड आपका एचजी जो है ऊपर चढ़ने लगेगा, और ऊपर चढ़ने के बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा सेम हाइट, यहाँ पर प्रेशर, क्योंकि दोनों आपका एचजी हैं, दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल हो जाता है, और उससे का नाम बोलते हैं पी नॉट जो हो जाएगा यहाँ पर का प्रेशर, और वो हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर का प्रेशर। यहाँ पर का प्रेशर हम लोग बोल सकते हैं पी प्लस रो जी एच। अब यहाँ पर एक बात और आता है कि P का वैल्यू, अगर हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट किया है, तो ऊपर में आपका कुछ नहीं होगा, प्रेशर आपका जीरो होगा, कोई एयर नहीं है, तो उस केस में आपका P का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन बाय द वे कभी कभी पूछता है कि बाय द वे सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो Hg, इन जनरल जो Hg का हाइट होता है वो 76 सेंटीमीटर पर, आपने सुना होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है, तो इन जनरल एचजी को जो राइज करना चाहिए 76 सेंटीमीटर करना चाहिए, लेकिन अगर आपका कुछ एयर गड़े यहाँ पर ट्रैप है तो उस केस में एचजी जो है 76 मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं जाकर वो 74-72 जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितना एयर का प्रेशर है इसके ऊपर, तो आपको करना कुछ नहीं होता है, जो पी नॉट का वैल्यू हमको पता है 76 होना चाहिए इज इक्वल टू दिस प्लस जो एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो सपोज कीजिए कि जो एचजी राइज किया है आपका 72 सेंटीमीटर आपका राइज किया है, तो होना चाहिए 76 लेकिन एचजी ने राइज किया 72, मतलब जो 4 एक्स्ट्रा है वो एयर ट्रैप के कारण आ रहा है। तो उस तरीके से आपको निकल जाएगा कि जो प्रेशर ड्यू टू द एयर है वो 4 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो उसी कारण से मैं ये फार्मूला लिखा हूँ। लेकिन अगर आप इन जनरल आपका वैक्यूम होता है तो फार्मूला सिंपल ये होता है कि आपका बैरोमीटर में आपको वैक्यूम रखना है और जो जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही बराबर आपका एचजी राइज करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। तो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या है आपका, इसमें हम लोग किसी भी गैस के अंदर का प्रेशर मेजर करते हैं। आपका दो डिवाइस हो गया, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, तो किसी भी गैस के अंदर का हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। जो गैस के अंदर का प्रेशर है आप लोग ऐसा कीजिए कि इसको कनेक्ट कीजिए, इस सेक्शन को हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। तो अगर इस गैस का प्रेशर सपोज कीजिए कि एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तो यहाँ एच हाइट ऊपर चला जाएगा, जो लिक्विड है आपका एक एच हाइट ऊपर चला जाएगा। लेकिन वही इसके अगर अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो ये जो है कुछ नीचे आ जाएगा इस साइड में, मतलब जो एच है वो डिफरेंस इन द हाइट है। एच जो है लेफ्ट और राइट आर्म में जो लिक्विड का हाइट का डिफरेंस है आपका वो है। तो उसके कारण अगर आपको इसके अंदर प्रेशर लिखना है तो इसके अंदर जो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया प्लस रो जी। अब प्लस एच आपको पुट करना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है आपका, तो प्लस एच पुट करना है या माइनस एच पुट करना है वो डिसाइड करेगा कि आपका हाइट ऊपर है इस राइट कॉलम में, ऊपर है ये लिक्विड या नीचे है। अगर ये ऊपर आता है तो प्लस होता है आपका, अगर वही अगर नीचे होता तो ये माइनस हो जाएगा, और उस केस में जो प्रेशर हो जाएगा P इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच आपका आ जाएगा, अगर इस राइट कॉलम में आपका जो लिक्विड है वो लेफ्ट कॉलम से नीचे है। ओके चलिए अब हम लोग आते हैं। तो ऐसे इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो उसमें करना क्या है, देखिए रूल सिंपल है, आपका ट्यूब देगा एक और उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स कर देगा। तो रूल जो मैं फॉलो करता था उस टाइम, मैं ये फॉलो करता था कि सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, इनसाइड द सेम लिक्विड एट द सेम हाइट द प्रेशर मस्ट बी सेम। वही इसी को मैंने यहाँ लिखा, इनसाइड द सेम लिक्विड एट द सेम हाइट द प्रेशर इज सेम, राइट। तो आप अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक लिक्विड है जो कि एच वन हाइट तक है, इस राइट कॉलम में सपोज कीजिए यहाँ पर आपका सपोज दूसरा लिक्विड है और यहाँ पर एक तीसरा लिक्विड हो गया, एक लिक्विड दूसरा लिक्विड हो गया, ये पूरा जो डॉटेड है दूसरा लिक्विड है और तीसरा लिक्विड है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सेम हाइट पे सेम लिक्विड में सेम प्रेशर होगा, तो मतलब यहाँ पर आपका ये लिक्विड है और यहाँ पर यही लिक्विड है, तो यहाँ पर जो मिनिमम ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों दोनों साइड में लिक्विड सेम है, आपका डॉटेड वाला लिक्विड है वाटर समझ लीजिए, तो यहाँ पर ही वाटर ऑलमोस्ट आ चुका है, अब यहाँ पर ही वाटर है, तो इस दोनों पॉइंट पे मैं प्रेशर को इक्वल करूंगा। तो सिंपल सी बात है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी आप करेंगे तो पी ए का वैल्यू हो जाएगा पी नॉट, तो आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो वन जी एच वन,
यहां पर जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन इज इक्वल टू, इस साइड जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो टू जी एच टू प्लस रो थ्री जी एच थ्री, इसका आपका हाइट किस तरीके से निकाल लेना है। तो वो सारे कैलकुलेशन तो याद रखिएगा कि आपको इसमें तरीका एक ही यूज करना है, इनसाइड द सेम लिक्विड एट द सेम हाइट द प्रेशर मस्ट बी सेम, इसी तरीके को इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है आर्कमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्कमिडीज़ प्रिंसिपल आपको पता है शायद 9-10 से ही हम लोग पढ़ते आते हैं, किसी बॉडी के ऊपर हम लोग फ्लूइड में, याद रखिए फ्लूइड में डिप करते हैं। फ्लूइड का मतलब बहुत लोगों को लगता है कि बस लिक्विड होता है, नहीं, फ्लूइड का मतलब आपका लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो किसी भी बॉडी को अगर आप फ्लूइड में डिप करते हैं तो उस केस में उस पर एक बॉयंसी फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये ऊपर लगता है तो एक बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उस बॉयंसी फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, राइट। तो अगर मैं वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस करने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पर डिप करूँगा तो जितना भी ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, ये जो सॉलिड है जितना भी ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है उस स्पेस में कितना फ्लूइड भरा रहता, कितना लिक्विड आपका होता, तो जितना लिक्विड होता उसको हम लोग निकालेंगे इंटू जी को कर लेंगे। तो जितना लिक्विड का मास इसमें हम लोग भर सकते थे उसको निकाल लेंगे और इंटू जी कर देंगे तो हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब आपका बॉयंसी फोर्स अगर आपका लिखना हो तो बॉयंसी फोर्स का जो वैल्यू है, हम लोग इस वॉल्यूम को मान लेते हैं कि आपने वॉल्यूम वी डैश डिस्प्लेस किया, ये जो इनसाइड वॉल्यूम है ये आपका वी डैश है, ये आपका जो वॉल्यूम है ये आपका वी डैश है, तो वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपका मास ऑफ द लिक्विड यहाँ इतने में हो जाएगा, कितना मास आपका आता इंटू जी, तो होता है आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। याद रखिए एक और वैल्यू आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बॉडी फुल्ली डिप्ड हो लिक्विड में तो उस केस में उस पर अगर बॉयंसी लिखना हो, बॉयंसी फोर्स, तो डायरेक्ट एम जी मास, एम जो है बॉडी का मास है, तो एम जी डिवाइड बाई एस, एस आपका रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वही एस का वैल्यू आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है अगर लिक्विड वाटर हो, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तो अगर आप इस वैल्यू को बिल्कुल ध्यान रखना है, इस वैल्यू को हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, अगर आपको बॉयंसी फोर्स फुल्ली डिप्ड बॉडी का निकालना है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप एम जी में बॉडी के वेट में आपको रिलेटिव डेंसिटी को डिवाइड कर देना है, और अगर वही वाटर हो तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला काफ़ी यूजफुल है आपका। तो एस एस जो हो गया डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वही अगर इफ वाटर देन एस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऐसे हम लोग बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करते हैं फुल्ली डिप्ड बॉडी का। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि वन बॉडी इज फुल्ली डिप्ड बॉयंसी डज नॉट चेंज विथ डेप्थ। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज कीजिए कोई भी हम लोग बॉडी ले रहे हैं तो बॉडी शुरुआत में जब अंदर जाता है जैसे जैसे पानी के अंदर, तो जैसे जैसे अंदर जाएगा तो जो वॉल्यूम है, जो बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है वो बढ़ते जाएगा। तो शुरुआत में आपका बॉयंसी का फोर्स वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जैसे वो अंदर चला गया तो जैसे जैसे आप डेप्थ को बढ़ाएंगे उस डेप्थ से उस पर लगने वाले बॉयंसी के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बॉयंसी फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डेप्थ वंस द बॉडी इज फुल्ली डिप्ड, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इसी को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एक बार अंदर चला गया तो उसके बाद बॉयंसी फोर्स कितना है डेप्थ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे जो सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने मेंशन कर रखा है, ये वैल्यू काफ़ी ज़रूरत आता है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। तो अगर कोई बॉडी डिप्ड है इसमें, तो सपोज कीजिए कि आपका बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है, आपको पता है कि कोई भी बॉडी का अगर डेंसिटी ज़्यादा होता है तो डिप कर जाता है लिक्विड से, लिक्विड से अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा हो तो डिप कर जाएगा, अगर उसका कम हो तो फ्लोट करेगा, और अगर बराबर हो तो जहाँ पर आप रखिए वहीं पर वो टिका रहेगा। तो अगर आपका एम जी का वैल्यू ज़्यादा है तो आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन जो है नेट फोर्स, जो कि एम जी, हम मैं ये मान कर चलूँ कि अभी डेंसिटी ज़्यादा है तो एम जी माइनस बॉयंसी बाई मास, नेट फोर्स ये आपका हो गया डिवाइड बाई मास आपका हो गया, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद, तो जो एक्सेलरेशन आता है जी इंटू वन माइनस वन बाई एस, 1 - 1/s। अब देखिए अगर बॉडी का डेंसिटी, अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, मतलब वाटर मान लिया जाए, तो अगर बॉडी का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो s का जो वैल्यू है 1 से बड़ा आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो या डेंसिटी ऑफ वाटर, वो वैल्यू 1 से ज्यादा आता है अगर आपका बॉडी हैवी हो वाटर से, डेंसिटी उसका ज्यादा हो। तो
तो उस केस में आप देखिए तो 1 डिवाइड बाय 1 से बड़ा नंबर का वैल्यू ये 1 से छोटा हो जाएगा और 1 माइनस 1 से छोटा आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगर s का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब बॉडी आपका नीचे एक्सेलरेट करेगा। लेकिन वही अगर s का वैल्यू 1 से छोटा हो, मतलब बॉडी लाइटर हो वाटर कंपैरिजन में, तो उस केस में ये वैल्यू जो है आपका ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। बॉयंसी फोर्स का वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर बॉयंसी फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, तो वो अपने आप आपका एडजस्ट कर लेगा। लेकिन इस तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं। चलिए हाँ, तो वही आपको लिखा हुआ है कि एस ग्रेटर देन वन आपका एक्सेलरेशन डाउन होगा, वही अगर एस लेस देन वन होगा बॉडी लाइटर बॉडी होगा, तो उस केस में जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होगा, अप होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग अगर वाटर यूज करें तो हम लोग एस को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे में पार्ट ये है कि आपसे पूछता है कि मान लिया जाए कि कोई हम लोग का अलॉय है, अलॉय मतलब दो मेटल के मिक्स करने से कोई आपका बॉडी बना है, उसको हम लोग वाटर में डिप करते हैं और उसमें आपका एपरेंट वेट आपको दिया रहता है। एपरेंट वेट कहने का मतलब ये होता है कि वाटर में डिप करने के बाद आपको कितना वो भारी लग रहा है, क्योंकि वो पता है कि बाहर में देखने के बाद कोई बॉडी होता है उसका वेट कुछ अलग लगता है, लेकिन वही अगर वाटर में डिप कीजिए तो हल्का हो जाता है क्योंकि आपको बॉयंसी का सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को डील करना रहता है। तो इसमें क्या पूछता है कि अगर हम लोग किसी अलॉय को, मतलब ऐसा चीज़ है, सपोज कीजिए कि आपका एक बड़ा सा आपका स्टोन है या कुछ भी है आपका, तो बड़ा सा बॉडी है उसको हम लोग में क्या है, उसमें दो पार्ट्स हैं। सपोज कीजिए कि वो आयरन और एल्यूमिनियम से बना है, उसको दोनों के मिक्सचर करने से बना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका टोटल मास इतना है, 500 ग्राम है कुछ ही मान लीजिए, टोटल मास अगर 500 ग्राम है और एपरेंट वेट मतलब आप उसको एक बार पानी में डिप कर चुके हैं, तो एपरेंट वेट उसका सपोज कीजिए कि 400 ग्राम है, तो दोनों एल्युमिनियम और आयरन का मिक्सचर कितना कितना है, मतलब एल्युमिनियम कितना उसमें है और आयरन कितना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाने रहते हैं, मिक्सचर बताना रहता है। तो उसमें करना क्या है कि अगर आपको एपरेंट वेट दिया हुआ है, एपरेंट वेट जो होगा नेट एमजी जो आपका है माइनस बॉयंसी फोर्स, मैंने आपको बताया कि जो आप पानी उसको डिप करेंगे तो आपको हल्का फील होगा। तो क्यों फील होगा, क्योंकि आप उसमें एमजी तो नीचे लग रहा है कि बॉयंसी ऊपर लग रहा है, तो बॉयंसी थोड़ा हल्का कर दे रहा है बॉडी को। तो जो एम एपरेंट इंटू जी, जो एपरेंट वेट है, एपरेंट मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू नेट एमजी माइनस बॉयंसी फोर्स। एपरेंट वेट इंटू जी हम लोग लिखेंगे, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है। और बॉयंसी फोर्स कैसा लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो मान लीजिए उस बॉडी में एम वन मास मेटल वन का है और एम टू मास मेटल टू का है, तो उसमें बॉयंसी फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो एम वन मास अगर फर्स्ट बॉडी का है, फर्स्ट मेटल का है, तो एम वन बाई रो वन वो आपका वी वन हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम। एम टू बाई रो टू आपका सेकेंड बॉडी का कितना वॉल्यूम है वो निकल जाएगा, सेकेंड मटेरियल का कितना उसमें मिक्सचर है वो निकल जाएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन जनरल आपका वाटर दिया जाता है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप उसके अकॉर्डिंग 10^3 जो भी आपका है या ग्राम पर सीसी में ही पुट कर सकते हैं, उसको आप पुट कर दें, जी जी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका एम दिया हुआ है, टोटल आपका मास दिया रहेगा, टोटल मास दिया रहेगा, तो एम वन प्लस एम टू भी आपको दिया हुआ है, टोटल मास आपका बॉडी का दिया हुआ है। तो यहाँ अननोन अभी कितने लग रहे हैं, तो ये दिया हुआ है आपका एम वन एम टू आपका अननोन है, लेकिन आपको एक तरीके से दोनों में से एक वैल्यू आपको पता है कि क्योंकि टोटल मास आपका 500 ग्राम है, तो अगर टोटल मास 500 ग्राम है तो उसमें एक का मास अगर एम मान तो दूसरे का मास 500 माइनस क्या हो जाएगा आपका एम, 500 माइनस एम हो जाएगा। तो आपका एक तरीके से अननोन है, क्योंकि टोटल मास दिया हुआ है तो एक का मास एम मैंने मान लिया तो दूसरे का मास 500 माइनस एम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। फिर आपका सेकेंड टाइप जो होता है, तो सेकेंड टाइप में पूछता है कि आपका कोई भी मेटल है सपोज कीजिए, और उस मेटल में कोई बड़ा सा स्फीयर है, कोई बॉडी है, उसमें कुछ कैविटी है, तो आपको पता करना है कि कैविटी का वॉल्यूम कितना है। तो वही तरीका मैं फिर से यूज करूंगा कि मान लीजिए कि कैविटी का वॉल्यूम वी सी है, कैविटी का उसमें अंदर जो कैविटी है उसका वॉल्यूम वी सी है, तो जो एपरेंट वेट होगा वो एपरेंट वेट एम जी माइनस बॉयंसी होगा। एपरेंट वेट जब आप पानी में उसको डिप करेंगे फिर से, तो आपसे पूछता है कि उसमें कैविटी कितना है, हम लोगों ने एक्चुअल वेट दिया हुआ है और एपरेंट वेट दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कैविटी का वॉल्यूम कितना है। तो एपरेंट वेट जो होगा आपका एम जी माइनस बॉयंसी होगा, तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू एम जी माइनस बॉयंसी। कैसे निकालूंगा,
तो मास का बॉडी बॉडी का मास पूरा दिया हुआ है कि हम लोग जब एयर में उसको निकालते हैं तो उसका मास कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूम अगर बॉडी का जो जितने में मटेरियल है उतने का वॉल्यूम कितना होगा ये मेरे निकालना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए इधर आपका हो चुका है, तो सपोज कीजिए कि आपका कोई बॉडी है कैविटी है, तो इतने में मटेरियल आपका फिल है, तो इतने का वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल मास डिवाइड बाई डेंसिटी इसका, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मास डिवाइड बाई डेंसिटी आपका ये वॉल्यूम निकल चुका है जितने मेटल है, प्लस आपका वीसी में अगर लिखूंगा तो आप सपोज कीजिए वीसी आपका कैविटी का वॉल्यूम है, तो दिस प्लस वीसी आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सारा वैल्यू दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है कि आप उसको वेट एयर में करते हैं तो कितना आता है, वेट वाटर में करते हैं तो कितना आता है, तो आपका एम अपरेंट और एम दिया हुआ है, VC आपका यहाँ से निकल जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी नॉट बॉयंसी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपका वाटर का पता है, तो जी जी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, जो लास्ट सेक्शन है आपका काफी इंपॉर्टेंट है अभी, कि अभी तक हम लोगों ने प्रेशर का वेरिएशन लिक्विड में कैसे होता है अगर कंटेनर रेस्ट में हो ये पढ़ा है, लेकिन अगर सपोज ये कंटेनर आपका ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आपका एक्सलेट करना शुरू कर दे तब आपका प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा ये हम लोग को जानना है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सलेटिंग कंटेनर आपका कैसे होगा, तो अगर आपका कंटेनर ऊपर जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि इस केस में जी प्लस ए जो जी इफेक्टिव होता है वो जी प्लस ए इंटू एच आपको करना है, मतलब आपका हर जगह अगर ऊपर नीचे आएगा तो जी इफेक्टिव पुट कर देना है। तो ऊपर जाने के केस में जी इफेक्टिव याद रखिए न्यूटन्स लॉ में जी प्लस ए हुआ करता था, वही अगर आपका नीचे जाने लगे तो जो जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका जी माइनस ए हो जाएगा इनटू एच, तो ये आपका प्रेशर हो गया अगर ऊपर जा रहा हो और अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो, याद रखिए जा नहीं रहा हो एक्सेलरेट कर रहा हो, जाने में और एक्सेलरेशन करने में फर्क होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब आते बात करते हैं कि अगर आपका कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेट कर रहा है, तो अगर आपका कंटेनर हॉरिजॉन्टली आपका एक्सेलेरेट कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कीजिएगा तो आपका वाटर जो लेवल होता है टिल्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको निकालना होता है इसका थीटा कितना होगा और साथ ही साथ आपका प्रेशर का वेरिएशन हॉरिजॉन्टल में कितना होगा। देखिए इस केस में क्या होता है कि सेम हाइट पे आपका सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर लिक्विड अलग है यहाँ पर आपका लिक्विड अलग है, तो ये तरीका जो है इस केस में जो मैंने यहाँ बोला था वो ध्यान रखें कि एक तरीका तभी आपका वैलिड है जब कंटेनर हॉरिजॉन्टली आपका एक्सेलेरेट नहीं कर रहा हो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेट कर रहा है तो आपका वाटर लेवल टिल्टेड हो गया, तो उस केस में वो तरीका वैलिड नहीं है कि सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ आपका प्रेशर का वेरिएशन ऐसे भी आता है और हाइट के साथ तो आता ही हम लोग को सबको पता है, तो आपका प्रेशर का वेरिएशन एक्स के साथ भी होगा, हाइट के साथ कैसे होगा ये आपको पता है रोजी एच। तो यहाँ आपको याद करके करना रहता है कि P2 माइनस P1 यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि आपका हाइट ज़्यादा है, तो P2 माइनस P1 रो ए एक्स एक तरीके से आप सोचा जाए तो रो जी एच के जैसा ही है, जी का वैल्यू जो है ए से आपका रिप्लेस हो गया है और हाइट जो है एक्स से रिप्लेस हुआ है क्योंकि आपका एक्स के साथ वेरिएशन हो रहा है, तो इस साइड में आपका प्रेशर बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा रो ए एक्स, जी की जगह पे आपका ए आ चुका है क्योंकि एक्सेलरेशन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बिल्कुल आसान याद करना आसान है, रो ए एक्स आपको लिख देना है प्रेशर डिफरेंस, और ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर लेफ्ट साइड ज़्यादा होगा या राइट साइड ज़्यादा होगा। टैन थीटा जो है ये आपका ए बाई जी के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो टैन थीटा जो इंक्लाइन ये बनाएगा आपका उसका जो टैन थीटा होता है वो ए बाई जी के बराबर होता है, ये वैल्यू आपने काफ़ी बार सुना होगा। जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका वह है प्रेशर इन रोटेटिंग कंटेनर। तो आपको पता है कि सपोज कीजिए कि आप अगर बकेट में पानी भरते हैं उसको आप ऐसे से आप घुमा दीजिए तो ऐसे कुछ टिल्टेड हो जाता है, ऐसे बना रहता है शेप, ठीक है, तो वो बीच में गड्ढा हो जाता है और चारों तरफ ऊंचा हो जाता है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पानी को ऐसे बकेट में घुमा दूँ उसके बाद आप उसका शेप देखेंगे तो शेप जो होता है वो पैराबोलिक होता है, शेप जो है क्या होता है पैराबोलिक होता है, पानी नीचे बीच में जो है वो नीचे चला जाता है और चारों तरफ उसके वॉल के चारों तरफ जो दीवार होता है बाल्टी का उसके चारों तरफ वो ऊपर चला जाता है। तो आपको उस केस में पूछता है कि इसका शेप कैसा होगा, तो शेप तो याद रखिए कि पैराबोलिक है, इक्वेशन जो आता है आपका पैराबोलिक आता है, और जो प्रेशर का वेरिएशन है मिड पॉइंट पे अगर प्रेशर पी ओन, याद रखिए मैं मिड पॉइंट का मतलब ये किस पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो सबसे लोएस्ट लाइन है, ये ऐसा लाइन है जो सबसे लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ।
तो जो मिड पॉइंट पे प्रेशर अगर P1 हो, यहाँ पर अगर आपका प्रेशर आपका सपोज कीजिए कि P1 हो और यहाँ पर अगर आपका प्रेशर P2 हो, तो फॉर्मूला याद रखना है कि P2 - P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर X/G, रो ओमेगा स्क्वायर X/G होगा आपका, और जो Y का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर X/2G होता है। इसी से आपका ये आता है, यहाँ से आपका यहाँ आता है। एक और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को याद रखना है एक बात कि इसमें पैराबोले में जो होता है एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर पानी को हम लोग नहीं रोटेट करते हैं, तो अगर नहीं रोटेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि पानी अगर यहाँ तक है लेकिन रोटेट करने के बाद अगर ये कुछ 10 सेंटीमीटर सपोज कीजिए कि नीचे आए, तो याद रखिए कि 10 सेंटीमीटर ही ऊपर भी जाता है। जितना इस पॉइंट से नीचे आता है उतना इस पॉइंट से ऊपर जाता है। ये कैलकुलेशन के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब यहाँ जो है सेप कुछ इस साइड से इस टाइप से हो जाता है, तो जितना ये नीचे आएगा इस पॉइंट से उतना ही ऊपर जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जितना वॉल्यूम ये है आपका उतना ही वॉल्यूम आपका ये भी होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो उसी कारण से क्या होता है कि जितना यहाँ से वॉल्यूम खाली हुआ और वो पूरा का पूरा वॉल्यूम यहाँ पर एडजस्ट हो गया, तो जितना वो नीचे आएगा जो नॉर्मल पोजिशन था उससे जितना नीचे आएगा उतना ही वो ऊपर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही आपका, नेक्स्ट वीडियो में आपका फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।